सुबह सुबह मैं निकला हूँ, ये सेंट्रल स्टेशन को बड़ा मिस करेंगे, इसको बाय बाय कहते हैं। डेली मैंने बड़ा इन्जॉय किया है एम्स्टरडेम में। वेदर चेक करें आप, बहुत ही ज़्यादा फिर से अच्छा हो गया है। इसको छोड़ के जाने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन अपने 14 डेज़ हैं टोटल। 14 डेज़ को जो है ना वो मैंने ऑलरेडी एक ट्रेन में तीन तीन दिन के लिए डिवाइड किया हुआ था। यहाँ पर मेरा आज तीसरा दिन है। वो चेक करें आप, ठंडी ठंडी हवाएँ और माशाल्लाह पुरसकून लोग और पुरसकून कंट्री है। तो मैंने तीन दिन यहाँ पर बड़ा एक्सप्लोर किया है सिटी को पूरे को। तो रियली मैं बड़ा मिस करूंगा इसको। तो मिलते हैं, अभी मैं जा रहा हूं, यहां से इंटरनेशनल ट्रेन भी जाती हैं, अभी वहां पे टिकट लूंगा। टिकट कितने की मिलती है चेक करते हैं। तो लक्ज़मबर्ग देखें, अभी नाम आ गया, बड़ा डिफ़िकल्ट नाम है ये। यहां से ट्रेन की टिकट लेके तो फिर निकलता हूँ मैं लक्ज़मबर्ग में। एक दिन का वहाँ पर स्टे है अभी, नेक्स्ट तीन दिन की होटल बुकिंग है मेरी पेरिस में। तो पेरिस से फिर मैं निकलूँगा सीधा इटली में, इटली के शहर रोम में रुकेंगे, वहाँ से निकलेंगे स्विट्ज़रलैंड में जाएंगे, बर्न में टाइम गुजारेंगे, उसका जो कैपिटल है, उसके बाद ज़ुरिक में। तो फिर ज़ुरिक से ट्रेन लें, ट्रेन बोल रहा हूँ सॉरी, वहाँ से प्लेन लेंगे फ्लाइट और सीधी दुबई अगेन स्टार्ट टू वर्क। सो गाइस लाइक करते रहिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा हमारी वीडियो को, चैनल को। सो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी करिएगा प्लीज़। तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं। मैं वहाँ पे पहुँच के रास्ते में कुछ अच्छे व्यू भी आएंगे, वो भी कैप्चर करेंगे, उसको भी अपलोड करेंगे। तो बाय ट्रेन सफ़र कैसा जाता है हमारा वो चेक करेंगे पूरा इसको। सो बाय बाय, इस सिटी को बाय बाय करते हैं। लास्ट टाइम जाते जाते वहाँ से टिकट लेते हैं और फिर एम्स्टरडेम को बाय बाय करते हैं। टिकट बाय कर ली है, टिकट ख़रीद ली है मैंने। ये देखें, ये एम्स्टरडेम स्टेशन है और इसके बिल्कुल बाजू में वो इनका ऑफिस है, वो वहाँ पे। तो यहाँ पे सारी इंटरनेशनल ट्रेनें आपको मिल जाती हैं। मैंने अभी नीदरलैंड की, नीदरलैंड से, ये एम्स्टरडेम से ट्रेन की टिकट ख़रीदी है लक्ज़मबर्ग की। तो मुझे पड़ी है ओनली 76 यूरो की। तो 76 यूरो की मुझे टिकट पड़ी है। यहाँ से फर्स्ट क्लास में, फ़र्स्ट क्लास था जो वो 125 यूरो में थी, और जो सेकंड क्लास थी वो है ओनली 76 यूरो की। तो सेकंड क्लास खरीदी है मैंने, और ये यहाँ से जाएगी एक जगह पे 2 घंटे के बाद, वहाँ से मुझे ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। और मैं पूरे 5 o'clock आलमोस्ट 3-4 घंटे की है ट्रेन, अगर डायरेक्ट जाती तो 2 से 3 घंटे के अंदर पहुँच जाती है, लेकिन ये 4 घंटे लगेंगे मुझे, क्योंकि ट्रेन जो है ना 1 घंटा मेरा वहाँ पर स्टे है, तो इसी बहाने वो भी मेट्रो स्टेशन को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेंगे। तो ये थी जी टिकट की इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ से सेंट्रल स्टेशन से सारी कंट्री में जर्मनी की टिकटें या दूसरी कोई भी नियरेस्ट कंट्री है या कहीं पे भी आप जाते जाते हैं तो यहाँ से इंटरनेशनल टिकटें आपको मिल जाती हैं ट्रेन की। तो चलें ट्रेन को एक्सप्लोर करते हैं, लंबे रूट पे कैसी ट्रेन है, क्या सिस्टम है। आपको ट्रेन की वीडियो भी दिखाता हूँ कि ट्रेन के अंदर क्या क्या है, क्या क्या फैसिलिटी, कैसी उसकी लुक है, कहाँ कहाँ से जाती है, कौन कौन से वे हैं। तो ये है जी एम्स्टरडेम सेंट्रल, सो मेनी टाइम, वेदर बड़ा अच्छी, ठंडी हवा चल रही है, तो इसको याद आएगा ये, और इंशाल्लाह ताला इसके अभी ट्रिप करते रहेंगे यूरोप के, ठीक है ना। पहला वीज़ा लगना ही थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसके बाद इजीली सब कुछ जो है ना आसान हो जाता है। तो ये रहा गाइस, आ गया हूँ मैं इधर। तो ये चेक करें ये सारी ट्रेन के जो है ना टाइम और इसके ऊपर प्लेटफॉर्म वगैरह लिखे हुए हैं सारे, ठीक है ना। तो मैं आ गया हूँ अभी मेट्रो स्टेशन के अंदर। तो ये है जी मेरी टिकट, और ये चेक करें ये स्क्रीन के ऊपर सारी जो है ना वो लिखी हुई है, कौन कौन सी कंट्री में ट्रेन जा रही है, टाइमिंग लिखी हुई है, स्टेशन प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है, कौन कौन से पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको शो करवा सकता हूँ, पेरिस जा रही है ट्रेन, जर्मनी जा रही है, फ्रांस जा रही है, उसके बाद लक्ज़मबर्ग जा रही है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना कंट्री में यहाँ पर, ये देखें सारी काफ़ी ज़्यादा ट्रेनें हैं। तो ये मेन स्टेशन है जहाँ से आप ट्रेन और टिकट लेके तो किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। अभी मेरा 11:25 पे टाइम है ट्रेन का, ओनली 15 मिनट्स बचे हैं। तो मैं अभी जाता हूँ जाके प्लेटफॉर्म में, ज़रा ट्रेन देख लेते हैं उसकी टाइमिंग पे, वहीं पे बैठ के करते हैं बस स्टार्ट। हमारा जो है ना, ये देखें गेट नंबर लिखे हुए हैं 7 और 8, ये हर कंट्री का नाम और गेट नंबर लिखा हुआ है। ये अंदर से स्टेशन है, तो हमारा है 13A, ये सामने 10, 11, 12 और 13 आई थिंक उधर होगा हमारा 10, 11, वो देखें लास्ट पे 13। तो हमारा 13A है। तो कहाँ से लेते हैं हम सीधा सीढ़ियों पे स्टेयर्स लेके हम जाते हैं सीधा ऊपर।
ये है जी अंदर से स्टेशन, काफ़ी बड़ा है। और ये है जी हमारा 13A, यहाँ से हम निकलते हैं ऊपर। ये है जी पहुँच गया हूँ मैं ट्रेन अपनी के पास, तो ये दिखा सकता हूँ आपको मैं। ये जा रही है जी यूरो स्टार ट्रेन का नाम है, पेरिस जा रही है ये, पेरिस ये यूरो स्टेट ट्रेन का नाम है, चेक कर सकते हैं आप। और ये बोर्ड लगा हुआ है ये पेरिस जा रही है हमारी ट्रेन है कि 10 मिनट के बाद। यहाँ से देखिए जर्मनी, पेरिस, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद जा रही है कुछ फ्लाइटें, कुछ ट्रेनें डायरेक्ट हैं और कुछ ट्रेनें हैं जो है ना वो कनेक्टेड है, जैसे कि मेरी भी कनेक्टेड है। मैं वहाँ पे ब्रुसेल पे उतर के वहाँ पे 40 मिनट्स के बाद मुझे दूसरी ट्रेन मिलेगी जो डायरेक्ट मेरे लिए जाएगी लक्जमबर्ग जी। तो गाइस मेरा आधा घंटा पहले जो है ना थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था ट्रेन मिस होने की वजह से, तो यूरोप है यहाँ पे तो ट्रेनें मिस हो जाती हैं, हीरो की एक्टर की ट्रेन मिस होगी तो हम तो फिर जो है ना नॉर्मल जो है ना बंदे से हैं, ठीक है ना। ये मेरे साथ हैं भाई, ये जो बैठे हुए हैं इनकी भी बेचारों की मेरे से पूछ लिया, तो मैंने बोला यहाँ इधर से जाएगी इधर से जाएगी। मैं व्लॉग बना रहा था, एडिटिंग कर रहा था, तो वो हमारी ट्रेन यहाँ पे आके इसी स्टॉप पे खड़ी थी तो हम वो पीछे खड़े थे, तो जिसकी वजह से जो है ना वो ट्रेन मिस हो गई। तो अभी मैंने चेक किया जाके नीचे से, ये टिकट अभी वैलिड है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ट्रेन जो है ना मिस भी हो जाती है तो टिकट हमारी जो है ना वो वेस्ट नहीं होती, तो वो वैलिड है। तो अभी एक घंटे के बाद दूसरी ट्रेन आएगी, हम उसमें बैठेंगे और निकल जाएंगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह चलें, एक घंटा लेट हुए हैं लेकिन अभी ये भी तो पता चल गया ना, जितने दिन और रुकेंगे तो पता चल जाएगा कि ट्रेन और ये सप्लिंटर लिखे होते हैं, ये स्कोप लिखे होते हैं, ये क्या है 13A, गेट नंबर क्या है। हर प्लेटफॉर्म यहाँ पे बना हुआ है, देखें ये 13A है, वो नेक्स्ट उसके 14A होगा, ये पीछे 11, 12, ये कहते हैं यहाँ की एक्सपेंसिव ट्रेन है यूरो स्टार। सो ये जो है नॉर्मल ट्रेन है, तो हम जो है ना एक्सपेंसिव में बैठ के क्या करना है, एमरेस्ट एयरलाइन में, स्विस एयरलाइन में सफ़र करते हैं, तो ये नॉर्मल ट्रेनें ही, और दूसरी सारी जो है ना वो एक्सप्लोर करनी चाहिए और कर रहे हैं। तो अभी यहाँ से 2 घंटे के बाद, अभी 1 घंटा लेट होंगे ना, तो अभी तक तो हाफ जो है ना हमारा रास्ता क्रॉस हो जाना था, हमने पहुँच जाना था आज बीच में। तो चले कोई बात नहीं, इसी बहाने ये बंदे बैठे हुए हैं, इनके साथ थोड़ी गपशप करने का मौका मिला। ये सेंट्रल साउथ अमेरिका से हैं बंदे, ये भी ट्रिप वगैरह करते रहते हैं तो घूमते रहते हैं, ये भी 15 डेज के लिए यहाँ पे आए थे, अभी वापस जा रहे हैं अपनी कंट्री, तो ये 15 डेज यहाँ पे रुके हैं एम्स्टरडेम में। तो ये तो बंदे की एज देख लें, मेरे ख्याल से 50 के करीब हो गई है, लेकिन कहता है मैं घूमता रहता हूँ हर 6 महीने के बाद, हर जब भी मौका मिलता है मैं अपनी वेकेशन को इन्जॉय करने के लिए किसी न किसी कंट्री में निकल जाता हूँ। तो फिलीपीन के अंदर कहता है मैं गया था, वहाँ के अंदर मैं 10 सिटीज़ घूम के आया था, जहाँ पर भी जाता है 15 डेज़ के लिए, 1 मंथ के लिए जाता है बंदा, और घूमने का शौक जिस बंदे को पड़ा है ना, तो सर जी वो अमेजिंग खलास। लाइफ छोटी सी है, स्मॉल सी है, दुनिया को एक्सप्लोर करें, ये अल्लाह पाक की बनाई दुनिया है, तो इसको घूमें, जितना घूमेंगे जितना ज़्यादा दूर जाएंगे क्या करेंगे, हर कंट्री को देखेंगे, तो जितना एक्सपीरियंस हासिल करेंगे उतना ही लाइफ के लिए तजर्बाकार होता है। तो ये देखें काफ़ी बड़ा जो है ना सेंट्रल जो है ना एम्स्टरडेम का स्टेशन है, काफ़ी ज़्यादा, ये देखें कितने प्लेटफॉर्म है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये अभी नया बना रहे हैं अभी, ये इस साइड पे वो सामने बस वगैरह है, ये जो है ना ट्रेन्स हैं। तो ये देखें बारिशें पड़ पड़ के क्या हाल हो गया इनका जो है ना, तो काफ़ी बुरी हालत हुई हुई है, लेकिन कहते हैं कि जो है ना भाई सफ़र भी तो उसी हिसाब से लंबा करती है ना। चलें अभी ट्रेन के अंदर चलता हूँ, ट्रेन आती है, ट्रेन के अंदर पास से देखते हैं सीटें को कंफर्टेबल हैं, क्या सिस्टम है, क्या हिसाब किताब है। एक चीज़ ये भी तो पता चला है ना कि यहाँ पे जो 12:25 इसका टाइम लिखा होता है, वहाँ उस वक्त ट्रेन निकल जाना है, उससे 10 मिनट 15 मिनट पहले आपको पहुँचना है। सेम लाइक प्लेन का टाइम होता है कि डिपार्चर ये टाइम है 12, तो नहीं तो हमारे माइंड में क्या था कि 12:25 ट्रेन आएगी और उसके बाद जाएगी, तो जिसकी वजह से मैंने ट्रेन मिस कर दी। और वही मैं 15-20 मिनट पहले मुझे पता होता, अभी मुझे पता चल गया जो टाइमिंग इन्होंने टिकट के ऊपर लिखा होता है वो टाइम पे, ये देखें मैं अभी आपको बताता हूँ, ये चेक करें
11:25 लिखा हुआ है। मुझे पता था कि 11:25 पे ट्रेन आएगी और वहाँ पे हम बैठेंगे, 10 मिनट के बाद ट्रेन निकल जाएगी, लेकिन ये देखें अभी वो जो ट्रेन मैंने मिस की उसके बाद मैं अभी बैठा हूँ, 12:25 पे दूसरी ट्रेन आनी थी, तो ये देखें 12:25 अभी 5 मिनट के बाद ट्रेन निकल जाएगी। तो हम इसी माइंड में रहे तो अभी पता चल गया ना कि यहाँ क्या सिस्टम है, जो टाइमिंग है उससे 10-15 मिनट पहले आपने उधर पहुँचना है उस डेस्टिनेशन पर, ट्रेन आ जाएगी 10-15 मिनट पहले, उसके बाद आपने बैठना है और निकल जाना है। जो मेट्रो में चल रहे थे वो ऑन टाइम जो लिखा होता है स्क्रीन के ऊपर उसी वक्त आती है, लेकिन जो इंटरनेशनल ट्रेन है उसमें हो सकता है डिफरेंट थोड़ा फर्क हो। तो ये इसका अंदर है, ट्रेन बिल्कुल सेम लाइक प्लेन की तरह सीटें बनी हुई हैं। तो ये देखें, तो बाकी ये है कि चार्जिंग वगैरह की सहूलत इसमें लोकल ट्रेन है तो इसमें नहीं है, तो वो आपको अपने पावर बैंक से ही काम चलाना पड़ेगा। हो सकता है फर्स्ट क्लास बुक करते तो उसमें सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती है, तो फर्स्ट क्लास हमने नहीं की, 50 यूरो का फ़र्क था तो सेव किए हैं, उसको बचाए हैं। तो ये था सिस्टम जी गाइस, मैं जो मेट्रो जो नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंच रहा हूँ जहाँ से मैंने ट्रेन चेंज कर ली है, वो स्टेशन भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लेंगे कि वहाँ पे क्या क्या नई चीज़ें हैं देखने को मिलती हैं, और साथ आपके साथ भी ये इन्फॉर्मेशन देखें, हो सकता है हम अपलोड कर रहे हैं चैनल पे किसी न किसी बंदे के लिए काम आ जाए एक एक छोटी छोटी चीज़। ये हमें अगर वीडियो देखी होती तो पता चल जाता, लेकिन पता होता कि ट्रेन के 10 मिनट पहले वहाँ पर टाइमिंग पर पहुँचना है, तो अभी तक तो मैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाना था, ठीक है ना, जैसा कि 12:30 होंगे 1 बजे मैंने उधर पहुंच जाना था, लेकिन चले नो प्रॉब्लम, देर आए दुरुस्त आए, सीखने को चीज़ें मिलती रहती हैं, और सीखने के लिए तो हम इतनी दूर आए हैं और यहीं पे भी आगे सीखेंगे, नहीं गलतियाँ नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से सीखेंगे। 11:25 के वेट में होता मैं तो ये देखें पूरे घड़ी के ऊपर 11:25 में और ट्रेन चल पड़ी है, तो मैं अगर 11:25 का वेट करता तो दूसरी ट्रेन भी मैंने ऐसे ही मिस कर देनी थी, ठीक है ना। तो मुझे तो ये है कि बंदे साथ मिल गए अच्छी क्लास वाले हैं, तो उन्होंने बोला मुझे वो ट्रेन के बाहर भी लिखा होता है जैसा कि हर वो लिखा भी होता है, तो बड़ी अच्छी एक चीज़ है, चलें ये भी दिखा। अभी देखते हैं कौन कौन से व्यू आते हैं रास्ते में, आपको बड़े बड़े ज़बरदस्त व्यू दिखाऊँगा रास्ते में कहाँ कहाँ से ट्रेन उतर के जाती है। मेन मज़ा आएगा जिस दिन मैं इटली से स्विट्ज़रलैंड आऊँगा, स्विट्ज़रलैंड का माल है, वो जो ट्रेन में बैठने का मज़ा है ना, वो जो पहाड़ों के बीच में जाती है रिवर के ऊपर से जाती है, कमाल होगी। है ट्रेन में सफ़र करने का ये फ़ायदा हुआ है, चेक करें समंदर शिप ये सारे जो है ना, अभी ये चेक करें आप, ये बड़े बड़े पंखे लगाए हैं उन्होंने, इन्होंने ना मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक ही होंगे, क्योंकि ये जो नीचे फसल वगैरह ना परिंदे वगैरह ना बैठे, और ये इतने ज़्यादा है ना कि आप, मैं जब स्विट्ज़रलैंड से निकला था ना इधर एम्स्टरडेम आने के लिए, तो ये ऊपर से भी नज़र आते हैं जहाज से भी, इतनी इतनी इन्होंने हाइट पे लगाए हैं, उतने इतने बड़े पंखे ऊपर से छोटे छोटे लगते हैं, ये देखें कितनी हाइट है इसकी, ठीक है ना, तो बड़े 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 जिसको जब इसको ऑन कर देते हैं चला देते हैं तो ताकि ये कोई भी नीचे जो फसल वगैरह या परिंदे वगैरह ख़राब नहीं करें, ये उससे रिलेटेड लगाए हुए हैं। गाइस ट्रैवल करना भी इतना इजी नहीं है, अभी वो एक ट्रेन मिस करने की वजह से मैं अभी दूसरे यहाँ पे आके चेंज करनी थी, और ये 20 मिनट्स के बाद एक दूसरी ट्रेन आएगी, वो सीधी जाएगी लग्जमबर्ग सिटी में, तो ये है जी ब्रसील लग्जमबर्ग मेट्रो स्टेशन है, ये ट्रेन स्टेशन है, सॉरी मेट्रो नहीं है ये ट्रेन स्टेशन है, तो उसमें बैठेंगे फिर वो आगे से सीधी जाएगी लग्जमबर्ग सिटी। सुबह से नाश्ता करके निकले हुए हैं और यहाँ पे 3:30 हुए हैं, बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुए, तो बिस्कुट खा खा के गुजारा कर रहे हैं, ठीक है ना, ट्रैवल करने के साथ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये भी इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं लग रही, वो ना जितना ज़्यादा चल रहे हैं जितना पैदल ज़्यादा जा रहे हैं उतनी ज़्यादा भूख भी नहीं लग रही है, तो बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम चले। वहाँ पर पहुँच गई अभी जो है ना, एक ही दम पे खाना वगैरह खाएँगे, अच्छा बैग शैग रख के, तो फिर देखेंगे नियरेस्ट कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ से खाना वगैरह डिनर वगैरह करेंगे, फिर साथ सिटी एक्सप्लोर करवाऊँगा आपको और दिखाएंगे सिटी में क्या क्या है मेन चीज़ें घूमने के लिए। आज मेरे ख्याल से मुझे रात पड़ जाएगी वहाँ पे पहुँचते पहुँचते, तो मैं क्या करूँगा कि आज की रात हॉस्टल में लिखूँगा, हो सकता है फिर कल का भी जो है ना मैं दिन वहाँ पे कंटिन्यू करूँ, क्योंकि 15 से लेकर 17 तक जो है ना मेरा पेरिस की बुकिंग है, कल का डे मैंने रेस्ट ही रखा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि कल का डे भी फिर मैं लग्जमबर्ग उसी हॉस्टल में, अगर हॉस्टल अच्छा हुआ तो वहीं पे कंटिन्यू करेंगे, कल का दिन भी उधर ही। घूम के मैं जो है ना
ट्रेन स्टेशन है, मैंने मेट्रो ढूंढ ही ली है, मेट्रो बार बार निकल जाता है, तो ये जो ऑलमोस्ट वो 20 से 30 मिनट्स में पहुँच जाऊँगा लग्जापर सिटी के अंदर। तो वहाँ यहाँ पे भी एंटर होते सार जो है ना, मैं आपको मेट्रो दिखाता हूँ, ऐसी लग्जरी मेट्रो है ना कि अप एंड डाउन डबल ट्रैक मेट्रो है, अप एंड डाउन। ये चेक करें इसकी सीटें, ये चेक करें ज़रा बाहर का व्यू, ऐसी लग्जरी है ना। ये डबल ट्रैक है, आप ऊपर वाली साइड पे भी है, नीचे वाली साइड पे भी है, ज़बरदस्त मेट्रो है। वो पहली वाली में जब हम बैठ के आए थे तो वो इसी तरह थी, एसी वगैरह भी प्रॉपर नहीं था चल रहा, उसकी कंडीशन भी अच्छी थी। तो इसके अंदर देखें पूरा मेट्रो के अंदर, ये चेक करें इलेक्ट्रिक प्लग है और वाईफाई की सहूलत फ्री में मौजूद है, वाईफाई है और इलेक्ट्रिक वगैरह अवेलेबल है, चार्जिंग वगैरह कर सकते हैं फ़ोन। ये चेक करें पूरा सिस्टम, पूरा बैटरी वाला सिस्टम है, ये है जी, पता चला है किसी यूरोप की ट्रेन में बैठे हैं। वो जो दूसरी वो था आई थिंक ऐसे ही थी, लोकल नॉर्मल ट्रेन थी, तो बट ये क्लास नंबर वन है सर। ये बाहर चेक कर सकते हैं आप, पूरा गांव चंद्र है, चेक कर सकते हैं आप। 11 बजे का मैं निकला हुआ हूँ और अभी टाइम हो रहा है 6:15। तो ये अगर ट्रेन में कन्फ्यूज़न आपको पता है कि एक दो दफ़ा जाएंगे तो पहली दफ़ा तो पता ही चलता है, तो ये चेक करें, ये कैबिन के अंदर ओनली 3 बंदे रह गए हैं, ऊपर से बाहर फुल जंगल चल रहे हैं। वह देखें पूरे दूर दूर तक जंगल हैं और ट्रेन अकेली चढ़ी है, पायलट होगा, 2 बंदे वो बैठे हुए हैं, एक मैं बैठा हुआ हूँ। ये पूरी ट्रेन जो है ना खाली की खाली सन्नाटा चल रहा है, और ये चेक करें पूरे आउटसाइड पे जो है ना जंगल ही जंगल नज़र आ रहा है, देखें दूर दूर तक माशाल्लाह बहुत ही प्यारे व्यू हैं, लेकिन ये है कि सन्नाटा छाया हुआ है। सन्नाटा तो वो सिटी के अंदर था, ये तो फिर मैं जंगलों के अंदर आ गया हूँ, ठीक है ना। अभी आधे घंटे की लोकेशन रह गई है टोटल, तो पहुँच जाएँगे फिर जो है ना वहाँ पर। ये चेक करें बहुत ही प्यारा और ओपन एरिया, मुझे अभी समझ आई है कि ये घोड़े लोग दुबई में जाते थे तो क्यों जो है ना वो कुछ ऐसी कम्युनिटी थी साइलेंट जहाँ पे रहना पसंद करते थे, लेकिन ये देखें कैसा कोई शोर शराबा है, कोई सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से वो इसी तरह का माहौल वहाँ पे भी चाहते हैं। और दुबई ने तो ऑलरेडी इनके लिए ऐसी ऐसी कम्युनिटी बनाई हुई है कि जो बिल्कुल जो है ना वो साइलेंट प्लेस हो, ठीक है ना। ये चेक करें बाहर बिल्कुल दूर दूर तक जो है ना पूरे जंगलात चल रहे हैं, रिवर चल रहे हैं और माउंटेन है, और दूर दूर तक जरखेज चल रहा है, ग्रीन पूरी कंट्री, ये देखें माशाल्लाह, लाइक इट, ब्यूटीफुल, अमेजिंग है सर जी। हाँ जी, तो गाइस ये नाम तो आपने देखा होगा पहले भी कभी, हैं पहले भी आपने देखा होगा, बट मूवियों में और वीडियो में, और ये आज आपका भाई इधर खड़ा है सर, लग्जमबर्ग दुनिया की दूसरे तीसरे नंबर पर रिचेस्ट कंट्री है ये, और मैं पहुंच गया हूं यहां पे 12 बजे से निकला उधर से, 12:25 पे ट्रेन पकड़ी थी और 7:10 रह गए हैं, 6 घंटे की 7 घंटे की ट्रेन लेके तो मैं पहुंचा हूं इधर। जो लोग फैमिली के साथ आना चाहते हैं, अगर ये रास्ते में बड़े बड़े ब्यूटीफुल प्लेसेस आते हैं, और अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो एक नया एडवेंचर है 6-7 घंटे की ट्रेन लेके। वैसे भी प्लेन में इतना टाइम लग जाता है, 1-2 घंटे वहाँ पे जाकर वेटिंग एरिया में बैठेंगे, प्लेन लेंगे, 1-2 घंटा बाहर निकलने में लग जाता है, तो ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन मैंने ऑनेस्टली आपके साथ टाइमिंग शेयर की है कि 6-7 घंटे अपने माइंड में पकड़ के चलें कि आपको टिकट लेने के बाद इतना देर लगेगी, ठीक है ना। तो ये इसका सारा स्टेशन है लग्जमबर्ग, सो ये है जी रेलवे स्टेशन। तो ये अभी देखें काम हो रहा है यहाँ पे, इसको और मोटिवेट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से अभी निकलता हूँ बाहर, वहाँ से देते हैं बस। सुना था यहाँ पे बस फ्री है, ट्रेन फ्री है, मेट्रो फ्री है, तो अभी चेक करते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे फ्री है। तो सुबह मॉर्निंग से 9 बजे का मैं वो नाश्ता करके निकला हूँ, और भूख भी नहीं लगी जब से मैं यूरोप में आया हूँ। ये पानी की बोतल मेरे पास है, यही पी के और किया है, अभी भूख भी उस हिसाब से लगी। पहले करते हैं मेन चीज़ जो अपना हॉस्टल,
तलाश, तो वो करने में टाइम लगेगा, उसको करके फिर दो दिन आराम से गुजरेंगे, फिर पूरा सिटी एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। और बड़े बड़े अच्छे व्यू दिखाऊंगा। ये रहा था मेरा ट्रेन का एडवेंचर जो मैंने आपके साथ टाइमिंग और 100% शेयर की है। और कभी भी करना तो दिन के टाइम, क्योंकि रात के टाइम आप ट्रेन लेके निकलेंगे तो ना व्यू देख सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो ये है कि जब भी निकलें तो दिन के टाइम की ट्रेन पकड़ें अगर ट्रेन पर आना है, नहीं तो मेरी एडवाइस ये है कि अगर बच्चों के साथ हैं आप तो रियली टायर्ड हो जाएंगे ज़्यादा, ट्रेन ये छूट गई वो छूट गई, वो उसको पकड़ें उसको पकड़ें, तो वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो मेरी एडवाइस अगर बच्चों के साथ आते हैं तो फिर ट्रेन नहीं पकड़ें, तो अगर अकेले हैं लड़के हैं आप तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, एक ट्रेन छूट गई तो दूसरी आ रही है दूसरी, यहाँ पर ट्रेन नहीं, ये नहीं कि छूट गई और नहीं आ रही, एक ट्रेन बड़ी इंपॉर्टेंट जो हमारी सुबह 11:25 पर ट्रेन थी वो छूटी और 12:25 पर दूसरी आ गई, उसमें पकड़ा वो एक घंटा वो लेट हुआ। तो उसके बाद ये है कि एक ऐप भी है मैं आपको बता देता हूँ कि चलें लगे, ये भी आपको कर ही देते हैं, ये देखें ये एक ऐप है मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ओ यू आर सीजन हेयर, एक मिनट गाइस एक मिनट, बस मैं आपको ये दिखाता हूँ ताकि आपके पास आसानी हो जाए। ये मैंने किया तो मुझे थोड़ा ये देखें snsb.ae, ये जो है ना इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यूरोप में आते हैं ये बड़ा इजी है, आप इसको डाउनलोड करें या इसको गूगल पे अगर आपके पास डाटा है तो इसको यूज़ करें, और आप कौन सी ट्रेन कहाँ पे जा रही है, कितनी देर बाद दूसरी ट्रेन आएगी, ये ट्रेन छूटती है तो वो कैसे चेंज करनी है, इसी लेकर जब तक पूरा बड़ा आसान ऑप्शन है। ये मैंने किया तो इजीली मैं पहुँच गया, उसके बाद मुझे पता कितने स्टाफ मेरे रह गए हैं, कितने स्टाफ के बाद मैंने उतरना है। पहले तो मुझे मालूम नहीं था क्योंकि इंग्लिश ये ऐसे बोलते हैं थोड़ी हमें भी समझ नहीं लगती, और मेट्रो के अंदर तो वो लिखा होता है इन्होंने पूरा कि नेक्स्ट स्टेशन कौन सा आएगा और नेक्स्ट स्टेशन कौन सा आएगा, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बस ऐसी आवाज़ आई जिसको पता चला, एक दूसरे को पूछे, नए जितने भी टूरिज्म हैं करने के लिए आए हुए हैं वो एक दूसरे को पूछ के तो उतर जाते हैं, भाई ये कौन सा मेट्रो है, ये कौन सा स्टेशन है, कौन ये कौन सा स्टेशन है। तो चलें अभी मैं चलता हूँ मेन बस की तरफ, बस की तरफ चल के तो हॉस्टल तलाश करते हैं अपना, तो तब तक हमारे साथ रहिएगा, चलें लेट्स गो। जैसा सोचा था वैसा ही पाया है, तो बस में बैठा हूँ मैं, अभी पूछने से पहले मैंने पूछा कि टिकट, उन्होंने टिकट फ्री है, कोई टिकट नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, गोड़ी भाई गाड़ी चला रही है ये चक्कर है, और ये है मेरे पीछे के लोग बैठे हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्या चीज़ कहाँ पर आजकल दुनिया में फ्री मिलती है। लेकिन कुछ कंट्री हैं जो अपना आप दिखाती हैं रिचेस, यही रिचेस एक चीज़ होती है कि जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी फ्री है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इनकी सैलरियाँ मैनेज, फ्यूल ये वो सिस्टम लोग मैनेज करते होंगे, तो रियली आई एम हैप्पी, दैट्स वाई आई केम टू हेयर फॉर एक्सप्लोर दिस कंट्री, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी व्हिच इज़ द रिचेस्ट थिंग। सो ये चेक कर सकते हैं आप, ये बाहरी लड़का खड़ा है, ये तीन चार इम्प्लॉय ये देख रहे हैं वहाँ पर भी खड़ा है, ये तीन चार लोग बस इसीलिए खड़े किए हुए हैं कि बस लोग जो मेट्रो बाहर निकले उनको बसें बताएं कौन सी बस में आपने जाना है, कौन सी बस में जाना है, और बता रहे हैं साथ बड़े स्माइल करके लोकेशनें बता रहे हैं, आपकी ये लोकेशन है, आपकी ये लोकेशन है, और ये फ्री है, आप कोई चार्जेस नहीं है। और ये देखें यार अमेजिंग है सर, ये देखें खुद वो लोगों को गाइड करने के लिए लोग खड़े हैं, ये देखें जो येलो जैकेट डाल के खड़े हैं, ठीक है ना, ये देखें खुद लोगों को गाइड कर रहे हैं कि कितने कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, कौन सी लोकेशन है, तो पूरा इससे लेके जब तक खुद गाइड कर रहे हैं तो अच्छा लगा गाइस। अभी तो स्टार्ट हुआ, अभी देखते हैं अंदर क्या क्या सीन है, क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या हिसाब किताब मिलता है, हमें सारा इसे लेके जब तक दिखाता हूँ आपको मैं। तो जी गाइस मैं अभी जस्ट उतर गया हूँ अभी बस स्टॉप से, वो बस गई है हमारी, और ये चेक करें लग्जमबर्ग सिटी, ये नाम डिफ़िकल्ट है थोड़ा, मैं रॉन्ग लूँगा तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि ये नाम मुश्किल है और अपनी ज़बान में फिट नहीं हो रहा। और ये चेक करें पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, ये देखें कितनी लग्जरी बस थी और उसने हमें जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट इधर लेके आई है, ठीक है ना, USB की पिन तक, उसमें गुड AC ये वो फुल VIP बस जिसको बोलते हैं ना वो लेकर हमें आगे उसने ड्रॉप किया फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई किसी किस्म का चार्ज नहीं है। जब मैंने पूछा कितनी टिकट है, इट्स फ्री। हाँ जिस इस कंट्री के बारे में सुना था, सोचा था कि यहाँ पे विज़िट करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह देख लें घूम रहे हैं आपके सामने। तो ये है कि सर जी नीयत नेक रखें, मंजिल आसान होती है, और हमारी माशाल्लाह बहुत ही जल्दी मंजिल आसान हो गई है, और
ये वेजिटेबल वगैरह की शॉपिंग है देखें, आउटसाइड पे सारी लगी हुई हैं सर जी, फ्रूट वगैरह। ज़रा घर पे जाके ज़रा बैग चेक रख के ज़रा शावर शूवर ले के ज़रा रेस्ट करके तो आते हैं, फिर आके देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मेन चीज़ें हैं, ज़रा थोड़ा नाइट व्यू करते हैं, फिर कल का दिन का पूरा पूरा। यस थैंक यू। तो दिन के टाइम देखेंगे फिर क्या यहाँ पे करना है और क्या नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं देख के मुझे लग रहा है कि मैं अपने देसी जो है ना इंडियन जो है ना ज़्यादातर लोग देख रहा हूँ ये, तो देसी लोग जो है ना मुझे नज़र आ रहे हैं, तो ज़रा पूरा एक्सप्लोर करते हैं इसको अच्छे से, पहले मैं अपने हॉस्टल पर पहुँच जाऊँ। होटल तो गाइस देखने में 206 तो देखने में तो साफ ही लग रहा है, लेकिन मेरा कार्ड चला नहीं है। यार द कार्ड इज नॉट वर्किंग, 6 इज देयर, 206 हॉस्टल तो देखने में बड़ा साफ सुथरा लग रहा है, पहले से तो बेहतर है, अच्छा है, और सिटी के बिल्कुल पास भी है, और मेरा नहीं चला। ये देखें ये सामने कॉरिडोर है, और मेरा वो कार्ड नहीं चला, कार्ड की कुछ प्रॉब्लम बन गई है, तो पाँच बंदे बोल रही है बंदी के। देखें ये टेरेस भी है सामने, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, पूरा इंजॉय कर सकते हैं। ये साथ रेलवे स्टेशन की लाइन जा रही है, ये सामने सिटी है, तो इसका मैं मेन बाहर से भी दिखाना भूल गया हूँ आपको, तो वो भी दिखाता हूँ। अभी तो मेरा कार्ड नहीं चल रहा, तो मैं चलता हूँ अभी ज़रा इसके बंदी के पास दोबारा। ये देखें गर्मी से और ट्रैवल कर कर के ना तो बुरा हाल हो गया अपना, ठीक है ना। रूम दिखाता हूँ, ये देखें पांच बंदों की बेड स्पेस जो है ना बनी हुई है, ठीक है ना। ये देखें नीचे ऊपर, ये ऊपर और नीचे ये दो बेड लगे हुए हैं, ये सामान रखने की जगह, ये लॉकेट वगैरह बने हुए हैं, और चार बंदे ऑलरेडी पहले रह रहे हैं, अभी पता नहीं कौन सी कंट्रीज हैं। एक काम बड़ा गलत हुआ है, वहाँ पर तो मैंने मैनेज कर लिया था ना हॉस्टल में, ये देखें ये वाला सिस्टम सेपरेट है, और गाइस यहाँ पे पानी नहीं है, और ये देखें ये शावर लेने वाली जगह सेपरेट है, तो उस रेस्टोरेंट से तो जो है ना ज़रा उस हॉस्टल से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ये सामने विंडो का व्यू भी है इसका, तो ये सामने जो है ना देखें रोड है, तो सामने ये रोड है गाइस, और ये है मेरे ख्याल से चार बंदे रहते हैं ऑलरेडी रह रहे हैं, तो ज़बरदस्त। सामने भी कौन सा इतना ज़्यादा रूम में रहना है, लेकिन ये जो पंगा बना है ना ये वाला पंगा बड़ा गलत है। अभी मैं शावर लेता हूँ, शावर लेके थोड़ी रेस्ट करता हूँ, रेस्ट करके थोड़ा खाना पीना खाता हूँ, तो आज मैं बाहर नहीं निकलूँगा, क्योंकि सुबह मेरा 11 बजे से 12 बजे से ट्रैवल करके अभी रात को 8:30 बज गए इधर, और मैं अभी पहुँचा हूँ इधर। ओह सर जी बड़ी बुरी हालत हुई है, तो मैं अभी क्या करूँगा, अभी यहाँ पर नहीं जो है ना आज रात को बाहर नहीं जाऊँगा, AC लगाते हैं और आराम से जो है ना सोते हैं, ठीक है ना, तो सोते हैं, कल देखी जाएगी क्या होगा, ठीक है ना। तो चलें तब तक अपना ख्याल रखें, बाहर से भी हॉस्टल का व्यू दिखाता हूँ। ये जो हॉस्टल है मैं इसकी लोकेशन जो है ना डिस्क्रिप्शन में लाजमी डाल दूंगा, अच्छा हॉस्टल है, साफ़ सुथरा है, किसी किस्म का एक्सपेंसिव भी नहीं है, और अगर लक्जमबर्ग में आ रहे हैं आप तो यहाँ पर आके आप जो है ना ये हॉस्टल बुक कर सकते हैं, ज़बरदस्त है। 3-4-5 बंदे अगर ग्रुप में हैं तो फिर ज़बरदस्त है, अच्छा है, ठीक है ना। और लास्ट बात रही एडवाइस, आपको यही करता हूँ, अगर आप लोग दोस्त हैं आ रहे हैं ट्रेन पे आना चाहते हैं अम्स्टरडेम से लक्जमबर्ग, तो 6 से 7 घंटे मान के अपने माइंड में चलें, इससे पहले आप नहीं पहुँचेंगे, फैमिली के साथ आएंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, तो प्लीज़ काइंडली ये देख लें, उसी हिसाब से आप अभी चलिएगा, ठीक है ना। तब तक अपना ख्याल रखें, कल आपको सिटी का टूर करवाता हूँ, सिटी दिखाता हूँ कौन कौन सी यहाँ पे चीज़ है, और यहाँ पे देसी मोर मुझे ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे वो देखें सब नीचे आप देख सकते हैं, ये वेजिटेबल की वो देखें वेजिटेबल की शॉपिंग है यहाँ पे, ठीक है ना, और देसी मोर लग रहा है, और बाहर लिखा हुआ है हलाल, और मुझे लग रहा है कि छोटी सी सिटी है ये, लेकिन खाने पीने के लिए अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो तब तक गाइस अपना ख्याल रखें, चलें मैं अभी शावर ले लूँ थोड़ा फ्रेश हो गए, तो फिर करते हैं बाकी कंटिन्यू बात, ठीक है, ओके। ये है जी इसकी आउटसाइड से आपको दिखाता हूँ, ये देखें चेक करें, ये है इसका हॉस्टल का व्यू आउटसाइड से, तो हॉस्टल अच्छा है, नीट एंड क्लीन है, लेकिन ये जो AC की बात इसने मुझे सुना दी है ना, लेकिन हो सकता है कि इनका नेचुरल हो सिस्टम, ये इनका भी कोई कसूर नहीं, हो सकता नेचुरल हो। ये देखें इतना ग्रीन है कि ये साथ जो है ना वो माउंटेन मुझे नज़र आ रहे हैं, ये दरख्त की जो है ना ट्री की उस साइड पर मुझे माउंटेन नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है ये इनका नेचुरल हो, AC वगैरह बहुत कम यूज़ करते हो, लेकिन हॉस्टल हो या होटल हो
तो मुश्किल है। मैं अभी एक दो जगह से और चेक करता हूँ, अगर वहाँ पे भी यही हुआ तो फिर ये बड़ा बेस्ट है, ठीक है ना, है नीट एंड क्लीन है। तो ये यूथ हॉस्टल लग्जमबर्ग, तो उस हिसाब से देख लीजिएगा सर जी।